आप सबने समझा कि हमें माहौल पत्ते के संग्रहण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी सही तरीके से तोड़ाई करने के साथ ही सही तरीके से सुखाने, इसकी साफ सफाई और इसके उचित भंडारण को भी ध्यान में रखकर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आइए अब जानते हैं माहौल पत्ते के संग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए। पत्ताला तोड़ के लाए के बाद घर के आंगन में धूप में सुखा देना चाहिए। पत्ताला रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए या फिर घर के भीतर लाके रखना चाहिए और दूसरा दिन फिर से ओला धूप में सुखा देना चाहिए। रात में बाहर छोड़े से पत्ता मन में ओस पड़ जाते, जेखर से पत्ता सूखे के बाद करिया पड़ जाते। संग्रहित पत्ता ला रस्सी में हार बरोबर डार के भी धूप में सुखाया जा सकत। बारिश के दिन में पत्ता ला घर के भीतर आग में सुखाना चाहिए, नहीं तो पत्ता में करिया दाग पड़ जाते और खराब गुणवत्ता के सेती एकर अच्छा कीमत नहीं मिल पाए। बंडल बनाए के पहली खराब और छोटे पत्ता मला अलग कर लेना चाहिए। ठीक से सूखे और अच्छा गुणवत्ता के पत्ता ला 40 से 45 किलो के बंडल बना के भंडारित करना चाहिए, यानी रखना चाहिए। ये बात के ध्यान रखना चाहिए कि बंडल में आधा पत्ता ला सीधा और आधा पत्ता ला उल्टा रख के जमाया जाए, जेकर से पत्ता खराब नहीं होए और फटे भी नहीं। माहौल पत्ता के बंडल ला बिना नमी वाले जगह जहाँ पानी वगैरह नहीं है वहाँ रखना चाहिए। समझ गयो ना, ये सभा अतका आसान है जतका हमर मन पर गोल गोल रोटी बनाना। चलिए फिर से दोहराते हैं माहौल पत्ते के प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए जरूरी बातें। पत्तों को तोड़कर लाने के बाद घर के आंगन में धूप में सुखाना चाहिए। संग्रहित पत्तों को रस्सी में माला के जैसे पिरोकर भी धूप में सुखाया जा सकता है। रात में बाहर पत्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी वजह से पत्ते काले पड़ जाते हैं। रात में पॉलीथिन से ढक देना चाहिए या घर के अंदर लाकर रखना चाहिए। दूसरे दिन फिर से धूप में सुखा देना चाहिए। बारिश के दिनों में पत्तों को घर के भीतर आग में सुखाना चाहिए, अन्यथा पत्तों में काले दाग पड़ जाते हैं। बंडल बनाने से पहले खराब और छोटे पत्तों को अलग कर लेना चाहिए। पूरी तरीके से सूखे एवं अच्छी गुणवत्ता के पत्तों को 40 से 45 किलो के बंडल बनाकर भंडारित करना चाहिए। बंडल में आधे पत्ते सीधे एवं आधे उल्टे रखकर जमाना चाहिए। बंडल को नमी रहित जहां पानी न हो वहां रखना चाहिए। आपके लिए लघुन उपज का संग्रहण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि आपके लघुन उपज का सही मूल्य और वह भी समय से आपको प्राप्त हो सके। लघुन उपज संघ इस बात को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आपकी और संघ की यह भी जवाबदारी है कि हम इस वन एवं वनोपज को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करें।